नमस्कार। आज एक बहुत ही अहम दिन है, जिस दिन पे IEC कैंपेन का उद्घाटन समारोह में हम विज्ञान भवन के इस हॉल में हैं। मंच पर उपस्थित माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी, HRD मंत्रालय के मंत्री श्री पल्लम राजू जी, हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री प्रेम नारायण जी, आमिर खान जी, श्री लुइस जॉर्ज काउंसिल हेड ऑफ यूनिसेफ, यहाँ पर उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, मेरे भाई और बहनों, और सबसे ज़्यादा प्रिय यहाँ उपस्थित जो मेरी आंगनवाड़ी की बहनें हैं, साथ में पंचायती राज से चुनी हुई सरपंच और पंच, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न राज्यों से यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबको पुनः नमस्कार करती हूँ। और ये जंग जो कुपोषण भारत छोड़ो का एक आंदोलन हमने शुरू किया है, जैसे हम 9 अगस्त को हमने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन, इसी तरह से कुपोषण छोड़ो आंदोलन भारत की आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के साथ आपका समर्थन, आपका सहयोग, आपकी दृढ़ता, आपका प्रकाश, आपकी उज्ज्वलता के साथ हम अपने बच्चों से इस कुपोषण को, कुपोषण में ये जो हमारे बच्चों के बीच में एक भयानक जो राक्षस है, इसका कोई ना धर्म है ना कोई भाषा है, लेकिन एक बड़ा भयानक राक्षस है जो हमारे बच्चों को कमजोर करे जा रहा है, जो खोखला करे जा रहा है। आमिर खान जी ने ठीक कहा कि माँ के गर्भ में पलने वाला बच्चा गर्भ से लेकर 2 वर्ष की आयु तक केवल हम उसको कुपोषण से रहित कर सकते हैं। अगर उसके बाद उस बच्चे में वो बैठ गया तो उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए कितने सारे हर वक्त माँ पिता डॉक्टर्स के पास जाना, समय समय पर उसका बीमार होना, जैसे आपने फिल्म में भी देखा किस तरह से वो बच्ची को बार बार बुखार आता है, 11-12 साल की है लेकिन वो स्कूल में नहीं जाती और बच्चों को देखती है। पिकनिक मनाने गए, उन्होंने चिड़ियाघर देखा और उसके बारे में उसे बताते हैं। इस फिल्म के माध्यम से आपके मन में ये जागृति पैदा करना है कि आप इस तरह के जो हमारा कुपोषण है उसको कैसे दूर करेंगे। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि इस जागरूकता अभियान में IEC कैंपेन के शुभारंभ कार्यक्रम में जो आप सब ने हिस्सा लिया, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। कई राष्ट्रों के साथ साथ भारत को भी कुपोषण में कमी लाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के अधिकतर बच्चों में कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन है, पूरा खाना नहीं मिलता, गरीबी के कारण है, या ज्ञान नहीं है, माता पिता को ये पता नहीं है कि किस खाने की चीज में पोषक चीज़ें हैं जो मुझे बच्चों को देना है, या वो जब गर्भवती है उसको क्या लेना है। तो इन सब का कार्यक्रम हम अपने अपने, मेरे मंत्रालय ने जो कार्यक्रम किए हैं मैं उस बारे में बताऊंगी, लेकिन ये एक बहुत चिंता का विषय है। और इसी चिंतन के साथ इस कुपोषण भारत छोड़ो की बात को लेके आज माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने जो हामी भरी, मैं आपको बार बार आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मेरे एक बार कहने से इस प्रोग्राम को मैं आने का और अपना आशीर्वाद देने का बात कही। आज के बच्चे जो कल युवा बनेंगे और युवा पीढ़ी बन के भारत की रीढ़ को मजबूत करेंगे, भारत को ऊंचाइयों की ओर उठाएंगे, ये हमारे बच्चे हैं जिनको हमें आज उनको मजबूती देनी है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उन्हें सक्षम करना है, उन्हें खाने की पूरा पोषक आहार देना है। इसी तरह जो हमने अपने ICDS सेंटर्स पे तैयारियां की हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, गर्म खाना, उसमें पोषक चीज़ें हों। ये बात अलग है कि अलग अलग राज्य में राजस्थान का खाना कुछ और होगा, साउथ में हमारे कुछ राज्यों में खाना कुछ और है, कहीं रागी है, कहीं दलिया है, कहीं मक्का का दलिया है, राजस्थान में बाजरा का है, दिल्ली में हमारे चावल की खिचड़ी है, या अनेकों अनेक चीज़ें, हरियाणा में गुलगुले खाने को देते हैं। ये डेली का डेली मेनू हम देते हैं, इसलिए कि बच्चा, उन माताओं को भी देते हैं जो माता गर्भवती हैं, और बच्चा होने के बाद उसके
तीन साल तक हम टेक होम राशन देते हैं। साथ साथ जब बच्चा 3 साल का हो जाए तो आंगनवाड़ी सेंटर पे आता है, उसको पहले प्री स्कूल एजुकेशन, जो हम उसे शिक्षा भी देते हैं, खाना पूरा देते हैं, पौष्टिक आहार देते हैं, उसको साफ सफाई के बारे में बताते हैं। और ये ज्ञान हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं उन महिलाओं के साथ मिलके उनको देती हैं। मैं आमिर खान जी का, प्रसून जोशी जी का, अन्य सभी सहभागियों को भी बधाई देती हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत से इस काम को किया है, और धन्यवाद जो इस काम में जिसका सबका सहयोग मिला है और आगे मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। और अब हम अनुरोध करते हैं माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से कि कृपया अपने प्रेरणामयी उद्बोधन से सभी को कृतार्थ करें। डॉक्टर श्री पल्लम राजू, मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, श्रीमती कृष्णा तीर्थ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, श्री प्रेमनारायण सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिस्टर लुई जॉर्ज आर्सेनल कंट्री हेड यूनिसेफ, आमिर खान एन आइकॉन इन द फिल्म वर्ल्ड, श्री प्रसून जोशी सीईओ मैकनन वर्ल्ड वाइड, मेंबर्स ऑफ द पंचायत हु आर प्रेजेंट हियर, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स इनवाइटीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स इंडीड ए प्रिविलेज फॉर मी टू बी प्रेजेंट ऑन दिस हैप्पी ओकेशन टू फॉर्मली लॉन्च द इंफॉर्मेशन एजुकेशन and communication campaign against malnutrition. I thank all the previous speakers for a very comprehensive introduction to the various aspects of the drive being taken up by the Ministry of Women and Child Development. The birth anniversary of today of late Prime Minister Srimati Indira Gandhi is an appropriate occasion for commencing this campaign. It is a tribute to her vision and leadership in prioritizing through various government programs and policies the numerous issues relating to the welfare of women and child development in India. On malnutrition, once she made a very beautiful remark, and I quote, "There are people in the world so hungry that even God cannot appear to them except in the form of a bread," unquote. The launch of the IEC campaign against malnutrition today is an important and timely initiative. It's a matter of concern that every third woman in our country is undernourished. Every second woman is anemic. The intergovernmental cycle, the intergenerational cycle of malnutrition is continuously perpetuated with a high incidence of low birth weight, about 22%. And greater susceptibility of infants to infection, growth failure, and anemia.